नमस्कार, मैं हूं प्रिया छोड़, आप देख रहे हैं एसजी न्यूज। राजधानी पटना में एक बड़े मामले से पर्दा हटा है। आपको बता दें, राजधानी पटना में खून की तस्करी हो रही थी। महावीर मंदिर के पास कोतवाली थाना सादे लिवास में घूम रहा था एक चोर लॉकेट चोर को पकड़ने के लिए। जब दो लॉकेट चोर कोतवाली थाने की पुलिस के हत्थे चढ़े तो उनके घर की तलाशी ली गई और घर की तलाशी में कुछ ऐसे मामले सामने आए जिससे कि पुलिस के होश उड़ गए। दरअसल ये जो दोनों चोर थे, लॉकेट चोर, ये चोर खून की तस्करी कर रहे थे। इनके फ्रिज से 44 खून का पैकेट मिला है। क्या है पूरी खबर, जानिए विस्तार से। दरअसल शुक्रवार दोपहर कोतवाली पुलिस टीम सादे लिवास में पटना जंक्शन के आसपास घूम रही थी, तभी उन्होंने संतोष कुमार और अजय द्विवेदी को बच्चों के गले से लॉकेट काटते रंगे हाथ दबोचा था। संतोष की जेब से चोरी के 7 लॉकेट मिले, जबकि अजय के पास से 3। पूछने पर संतोष ने बताया कि वह मूल रूप से जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना अंतर्गत घोड़ापरान गाँव का रहने वाला है। यहाँ गांधीनगर के एक निजी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन का काम करता है। साथ ही संजय नगर रोड नंबर 1 में किराए पर फ्लैट लेकर रहता है। वहीं अजय मूल रूप से वैशाली जिले के बिंदुपुर थाना अंतर्गत मथुरा गांव का निवासी है और पटना के कंकड़बाग में शिवाजी पार्क के मेन गेट के सामने वाली गली के मकान संख्या D19 में रह रहा था। आपको बता दें कि ये दोनों चोर, संतोष के फ्लैट की जब तलाशी ली गई तो पुलिस ने वहाँ फ्रिज से 44 यूनिट ब्लड बरामद किए। वहां से 2-3 खाली ब्लड बैग के अलावा ट्यूब इंजेक्शन समेत कई अन्य मेडिकल उपकरण भी बरामद किए गए। उसने बताया कि वह आर्थिक रूप से कमजोर लोगों से 700 से 1000 रुपए देकर एक यूनिट ब्लड लेता है और जरूरतमंद मरीजों को 4000 रुपए की दर से बेच देता है। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में ये भी जो पैकेट बरामद हुए हैं उस पर किसी भी तरीके की डिटेल नहीं है, ना एक्सपायरी डेट लिखा है, ना ही किस ब्लड, कौन से ग्रुप का वो ब्लड है ये लिखा है, ना ही उन लोगों ने ये भी बताया कि वो किसी का ब्लड लेने से पहले उनका जांच नहीं करवाते थे। ऐसे में जिन लोगों को ये खून चढ़ाया गया वो लोग एक भारी खतरे में हैं, क्योंकि पता नहीं जिसका वो खून लिया गया था उसे कोई भी गंभीर बीमारी हो सकती है और वो खून जिसको चढ़ाया जाएगा वो भी उस बीमारी से पीड़ित हो जाएगा। ये तमाम खुलासे पटना के कोतवाली पुलिस ने किए हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए एसजी न्यूज के साथ। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग सेशन, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर द प्रयास इंडिया.com पर विजिट करें।